और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त दिल्ली में संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। उनको सशक्तिकरण दिया कि तुम इज्जत से जियो, ये तुम्हारा इज्जत घर है, इसको समझो। और छोटी संख्या नहीं है, जिस देश की 130 करोड़ की जनसंख्या हो और वहां 10 करोड़ शौचालय बने और एक शौचालय को इस्तेमाल करने वाले कम से कम 5 से 6 व्यक्ति यानी परिवार की इज्जत बनती हो, इस बात को समझना चाहिए। यह है बदलता भारत। हमसे कई कांग्रेसी पूछते हैं बदलता भारत, मैंने कहा तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि तुम तो रोजगार से बेरोजगार हो गए, लेकिन यह है बदलता भारत जिसको हमको समझना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना ये छोटी योजना नहीं थी, उन्होंने सशक्तिकरण किया। हमारी बहनें, मुझे मालूम नहीं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, गांव की बहनें सवेरे 5 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर, सूखी लकड़ी हो या गीली लकड़ी हो, बारिश हो तो गीली लकड़ी काटकर वापस घर आती हैं, चूल्हा जलाती हैं, 200 सिगरेट का धुआं अपने छात अपने लंग्स को लेती हैं, अपने फेफड़ों में लेती हैं, तब जाकर के सुबह की चाय बनाती थी। आज 8 करोड़ बहनों के घर में सिलेंडर पहुंचाकर मोदी जी ने 5 मिनट में चाय बनाने वाला बनाया। ये छोटी घटना नहीं है, ये बदलता भारत है, ये बदलता देश है जिसको हमको समझना चाहिए। LED बल्ब मुफ्त देना, उज्ज्वला, लगभग 18,000 गांव थे 2014 में, 18,000 विलेजेस जिनमें बिजली नहीं थी, क्या जीवन होगा? सूर्यास्त के साथ साथ लालटेन साफ करते होंगे, बच्चा पढ़ने कैसे जाता होगा, टेलीविजन से कोसों दूर होंगे, फ्रिज की कल्पना नहीं कर सकते होंगे, सामर्थ्य होने के बावजूद भी नहीं कर सकते थे। आज 18,000 गांव को 100% बिजली पहुंचाई गई है, यह हमको समझना चाहिए। करोड़ों लोगों को, घरों को, हाउस होल्ड को बिजली दी गई है। और आयुष्मान भारत, ये नहीं कहा कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, हो ना हो, एक्सरे हो ना हो, सिटी स्कैन हो ना हो, मेरी भला से हमने मुफ्त डिक्लेयर कर दिया, हो ना हो चलता रहेगा। आयुष्मान भारत, लगभग 12,74,00,000 परिवार यानी 55 करोड़ लोग यानी भारत की 40% आबादी, और ये कौन लोग हैं? जाति से नहीं है ये लोग प्रोफेशन से हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रैग पिकर, बार्बर जो हमारे बाल काटते हैं, ऐसे लोग जो प्रोफेशन से काम करते हैं उनको, ऐसे लोगों को, 55 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए सालाना परिवार को हेल्थ कवरेज दिया गया, ये हमको समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर किसी के घर में पहले, इससे पहले आयुष्मान भारत के पहले, किसी के घर में, गरीब के घर में कैंसर किसी को हो जाए तो जमीन बिक जाती थी, परिवार के लोग बोलते थे भगवान भरोसे हमने छोड़ दिया क्योंकि इलाज करा नहीं सकते, कीमोथेरेपी करा नहीं सकते, उतने पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन आज उनको 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर है। यह है सशक्तिकरण का तरीका। और चौपाल से जिस तरीके से आपने माइक्रो फाइनेंसिंग की है, लोगों को जोड़ा है, उनको